Today we will study vector product of two vector. आज हम लोग दो वेक्टर्स का सदिश गुणन पढ़ेंगे. इसके पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे, अदिश गुणन. अब देखिए वो अदिश क्यों था. सिर्फ वेक्टर ए बराबर है 3i कैप + 2j कैप + 3k. वेक्टर बी बराबर है i कैप + 2j कैप + 3k कैप. तो हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले थे, क्या आया था, 3 × 1 = 3 + 4 + 9, कितना आया, 16. क्या है, स्केलर है ना बेटा, नंबर है ना, ये क्या है, स्केलर है. इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट. क्या कहते हैं, ठीक है. अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ए बी है, इसका प्रोडक्ट ले लें, क्या इसका प्रोडक्ट, अगर जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी मिल जाए. यहाँ तो वेक्टर मिला नहीं था, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया था, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन. यहाँ ए और बी का प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर सी है, क्या है, वेक्टर सी है. तो यह प्रोडक्ट कैसा कहलाएगा, यह गुणनफल कैसा कहलाएगा, सदिश, क्या सदिश. तो सदिश गुणन को हम वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ ऐसे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं. वैसे तो है गुणे का चिन्ह, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्रॉस. क्या बोलते हैं, क्रॉस. एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको क्रॉस बोलते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर सी. फिर बात आती है, अगर ये वेक्टर है तो इसका कुछ न कुछ तो डायरेक्शन होगा. तो इसका डायरेक्शन जानते हो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए. इसका जो डायरेक्शन होगा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा. प्रश्न यह भी उठता है, इसे मान लीजिए कि यह वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी ना, तो जो सी वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर. ये दोनों वेक्टर कहाँ हैं, ब्लैक बोर्ड पर हैं, इसके परपेंडिकुलर इधर या इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ. नहीं समझ रहे भाई, जैसे देखो ये दो वेक्टर्स हैं, हैं ये भी तो परपेंडिकुलर है, मान लीजिए वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, ये इसके परपेंडिकुलर हुआ, बोलो yes, ये अभी तो परपेंडिकुलर हुआ yes, यह माना जाए यह परपेंडिकुलर माना जाए या यह परपेंडिकुलर माना जाए, दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन आपकी तरफ या मेरी तरफ, ये परपेंडिकुलर है ना yes, इस डायरेक्शन में, आपकी तरफ अजय मेरी तरफ, ब्लैक बोर्ड में परपेंडिकुलर क्या है, अपवर्ड द डायरेक्शन, अपवर्ड द व्हाइट बोर्ड, अपवर्ड द व्हाइट बोर्ड. यही अगर छेद करके इसको अंदर कर दें तो इनवर्ड द व्हाइट बोर्ड. समझ लिया कि नहीं, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. वैसे आपको बता रहा हूँ अभी, आगे फिर वही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी डिफिनेशन लिखवाना है, सब कुछ करना है. जैसे हमने कहा कि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, तो एक काम करते हैं हम, अपनी इस हथेली को, पहले वेक्टर ए है ना, इस पर रखते हैं, कहाँ, वेक्टर ए पर, हथेली को कहाँ रखा है, वेक्टर ए पर. इसके बाद चारों अंगुलियों को मोड़ा ऐसे, ये थंब है, अंगूठा है, यह क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी वेक्टर सी का डायरेक्शन, ठीक है. अगर मैं यही कह दूं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए
अब क्या करना पड़ेगा, अब हथेली को इस पर रखना पड़ेगा, अंगूठा कहाँ जाएगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर, ब्लैक बोर्ड के अंदर सॉरी व्हाइट बोर्ड के अंदर ऐसे मोड़ेंगे। बोलो भाई सी का डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर है ए और बी के, ए और बी के परपेंडिकुलर है लेकिन इनवर्ड, इनवर्ड द व्हाइट बोर्ड, ये आउटवर्ड द व्हाइट बोर्ड, ए बी क्रॉस ए इनवर्ड व्हाइट बोर्ड, ए क्रॉस बी आउटवर्ड व्हाइट बोर्ड। समझ आया, भूलोगे तो नहीं ना, हमेशा ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन आपको मिल जाएगा ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, ए क्रॉस बी आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड को प्लस मानेंगे तो इनवर्ड को क्या मानेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस वेक्टर सी। बोलो भाई yes, क्या बदला, सिर्फ डायरेक्शन क्या बदला direction. तो बताओ एक क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो अगर कोई पूछे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा, एक इधर दूसरा इधर, 180 कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। अगर सी का मुंह ऊपर है ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर है तो बी क्रॉस ए की दिशा नीचे है, अगर ए क्रॉस बी की दिशा पूरब है तो बी क्रॉस ए की दिशा पश्चिम है, अगर ए क्रॉस बी की दिशा उत्तर है तो बी क्रॉस ए की दिशा दक्षिण है। समझिए कि नहीं, एकदम अपोजिट है। तो ठीक है, हम डिफिनीशन पर आते हैं इसके। ये बताओ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है। करा इट्स मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, इसका परिमाण मूल वेक्टरों के परिमाणों के, और द साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच के छोटे कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से हिंदी में सुनो, इसका परिमाण, या यहां से सुनो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, इसका परिमाण दोनों मूल वेक्टरों के परिमाणों व उनके बीच के छोटे कोण की ज्या साइन साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल किस ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब दो वेक्टर ले लिया हमने, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तेल से तेल मिले हुए हैं बेटा, जरा सोचो पहले, अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 300, कौन सा कोण लें, ये कोण लें कि ये कोण लें, 60 अंश लें कि 300 डिग्री लें, स्मॉलेस्ट छोटा, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है बताया जा चुका है 0 से 180 अंश तक होता है, कितना, 180 अंश से बड़ा नहीं हो सकता, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, समझ में आया ना भाई, कोई क्वेश्चन उठा सकता है अगर एंगल का देते है ये एंगल होगा तब, तो पहले से ही सावधान रहो कि मैं स्मॉलेस्ट एंगल इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं ना। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, करा दोनों ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और फिर उनके बीच के एंगल का साइन ज्या
साइन थीटा। जनरली हम लोग लिखते हैं ऐसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके ओके, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो हमने ले लिया, परिमाण तो ले लिया, डायरेक्शन क्या होगा? अब ऐसे ए क्रॉस बी है ना, ए पर रखो हथेली, ऐसे कर्ल करो, कर्ल माने मोड़ना, मोड़ो आउटवर्ड द ब्लैक बोर्ड, आउटवर्ड द व्हाइट बोर्ड। अब आप लोग क्या लिखेंगे? आउटवर्ड द, अपवर्ड द कॉपी, इनवर्ड द कॉपी ना, कॉपी के ऊपर की ओर, कॉपी के अंदर की ओर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप, क्या ए बी साइन थीटा एन कैप, फिर एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, क्या है ये? कैप लगा दी, यूनिट वेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या ए क्रॉस बी क्या है? आउटवर्ड, क्या है? आउट वर्ड द व्हाइट बोर्ड, या आप लिखिए कॉपी, नोटबुक, क्या लिखिए? नोटबुक। परपेंडिकुलर और कैसा है? बाहर की तरफ है, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब कि जो हमारा ये डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? हटाओ इसको, वेक्टर बी यहां लिखो, ये हो गया एन कैप, क्या हो गया? ये एन कैप, एन कैप हो गया, एन कैप हो गया। इससे क्या हुआ? डायरेक्शन। अगर यही हम बी क्रॉस ए कर दें, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कर दें, तो क्या होगा? ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। क्यों? अगर ये प्लस है, क्या है ये? प्लस, तो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एन कैप, क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप, समझ आया? मतलब ये क्या हो गया? ये या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या कि ए बी साइन थीटा एन कैप, क्या करेंगे? इनवर्ड, क्या? अंदर की तरफ, इनवर्ड इनवर्ड द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। भाई परपेंडिकुलर तो हमने लिख दिया ना कि यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन? इनवर्ड, अंदर की तरफ। अब ये कहाँ है? ये आउटवर्ड, ए क्रॉस बी आउटवर्ड बाहर तरफ, ए क्रॉस बी आउटवर्ड बाहर तरफ, बी क्रॉस ए आउटवर्ड अंदर की तरफ, समझ आया? हाँ, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सपोज करो कि वेक्टर ए बराबर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है? और वेक्टर बी बराबर दिया है बेटा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके बेटा, अब देखो वेक्टर ए, प्लीज अब ये वाली लाइन समझने की है, मैथ्स वाले तो अभी बाहर हम जाएंगे तो हलवा हो जाएगा,
लेकिन बस गुणनखंड किए हुए हैं। हाई स्कूल में आप लोग ये युगपत समीकरण ना चार मेथड से ना विलोपन प्रतिस्थापन वज्रगुणन और ग्राफिकल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल ऐसे था ना चार मेथड था ना। ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? पहले आराम से आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, मॉडुलस का ऐसे साइन लगा लो। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, किसका साइन है? डिटर्मिनेंट का साइन है, ये सारणी का साइन है। चलो इतना बड़ा कहाँ काहे खींच रहे हैं। अब देखो ये वाला आई कैप का गुणांक क्या है? ए एक्स, जे कैप का गुणांक ए वाई, के कैप का गुणांक ए जे हुआ। फिर यहाँ आई कैप का गुणांक बी एक्स, जे कैप का कोफिशियंट के कैप का कोफिशियंट बी जे हो गया। इतना आपने कर लिया। अब लिखिए यहां से बराबर, और प्यार समझा रहे हैं, क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए। आई कैप फिर यहां ऐसे मार दीजिए, आई कैप। जब आई कैप लेना है इस लाइन को तो छोड़ देना है बेटा, इस लाइन को तो पूरा का पूरा छोड़ना है आपको, ठीक। जब आई कैप ले लिए तो अब इसको भी छोड़ दीजिए। छोड़ दिया आपने आई कैप लिया, आई कैप नीचे वाला छोड़ दो, तो क्या हुआ है? क्या बचा है यहां पर? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक है। इसके बाद तुरंत माइनस साइन लगा करके जे कैप कर दो। ये अल्टरनेट चलता है, मैथ्स भी जाएंगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे, प्लस माइनस ऐसे चलता है ये, ठीक है। माइनस जे, चलो भाई माइनस जे ले लिए। तो अब क्या करेंगे? एक हटाइए इसको पहले। अब जो है जे कैप के नीचे वाला पोर्शन छोड़ दो, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया तो क्या लिखा है आपने? ए एक्स ए जेड, ए एक्स और फिर बी एक्स बी जेड, ठीक है। फिर प्लस के कैप। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। अब किसको ढकेंगे? इसको ढक दिया। बोलो भाई क्या मिला? ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई मिला। अब देखो आई कैप, अब क्या प्रोसेस क्या है आई कैप? पहले तो इसका मल्टीप्लाई करो, तो ए वाई बी जेड, फिर तुरंत माइनस का साइन लगा दो बेटा। किसका? खुद इसका इसका मल्टीप्लीकेशन बी वाई ए जेड बंद हो गया, ठीक है। ये सब संख्याएं रहेंगी बेटा ना, क्या रहेंगी? संख्याएं। फिर माइनस जे कैप कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो बेटा ऐसे, क्या हो जाएगा? ए एक्स, तुरंत माइनस का साइन लगाओ, तुरंत माइनस साइन लगाओ, बी एक्स ए जेड, ये मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स ए जेड प्लस के कैप। फिर एकदम बेटा ये देख लो ना, ये कई डायरेक्शन हमेशा ले रहे हैं। अगर यहाँ प्लस माइनस, इसीलिए हम पहले से कर लिए, नहीं तो एक बार ऐसे लेते, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? ए एक्स डी वाई, तुरंत माइनस साइन लगाओ, बी एक्स, समझ में? इस तरह से निकल जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, समझ में आया? नोट करेंगे, नोट कर लीजिए प्लीज। चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं, एक
ये क्वेश्चन डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर डी वन इक्वल टू दिस मच एंड डी टू इक्वल टू दिस मच, फाइंड इट्स एरिया। ठीक ना, तो डी वन बराबर क्या दिया है, वेक्टर डी वन बराबर कितना दिया है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर डी टू बराबर क्या दिया है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ इंटू वेक्टर डी वन क्रॉस वेक्टर डी टू। एनी प्रॉब्लम, बोलो। ये बराबर हाफ तो बगल में रहेगा ही, बोलो क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप 3, 1, -2, चिन्ह सही, चिन्ह का ध्यान रखें, 1, -3, 4 हो गया। चलो 1/2 को बाहर रखो, पहले एकदम बाहर रख लो, ठीक है। आई कैप इसको छोड़ेंगे हम ना, क्या 1, -2, -3, 4 फिर माइनस जे कैप करेंगे, बोलो इसको ढक लेते हैं, इसको 3, -2, -1, 4 फिर प्लस के कैप, अब इसको ढकते हैं 3, 1, -3 हुआ, नीचे दिख रहा है जी, 1/2। चलो चार कन्नम आई क्या भाई, चार कन्नम माइनस ये प्लस सिक्स हो जाएगा ना, -6 माइनस जे कैप 3 चौके माइनस दो क्या हो जाएगा, +2 फिर प्लस के कैप -9, -1 हो गया, दिख रहा है नीचे। चल एरिया बराबर क्या हो गया, सॉरी एरिया बराबर क्या हो गया, अभी तो ये वेक्टर ले रहा हूँ यार, वेक्टर एरिया हो रही है, ये क्रॉस ले रहा हूँ ना, तो कितना हो गया भैया ये 1/2 -2i कैप बोलो भाई, 12 × 14 -14 जे कैप -10 के कैप। 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 का क्या हो जाएगा, -i कैप -7 जे कैप -5 के कैप ओके। आप मॉडुलस ए कैप निकालो, मैग्नीट्यूड निकालना होगा बेटा ना, बोलो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको भाई आंसर मिलाने के लिए माइनस कॉमन भी ले सकते हैं हम, आई कैप +7 जे कैप +5 के कैप ऐसा भी ले सकते हैं, और ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो कितना हो गया बेटा, तो 1, 49, 25 कितना हो गया, 75 25 × 75 5√3 यूनिट स्क्वायर, क्या 5√3 यूनिट स्क्वायर, समझ में आया। चलो आइए देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर,
ऑफ यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा ये एक्स डायरेक्शन, ये आर आर परपेंडिकुलर टू इच द, सबके बीच का एंगल कितना है 90, कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। ओके चलिए, आई कैप क्रॉस आई कैप करो तो किसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 0 एन कैप। अच्छा आई के लंबवत कौन सा है, आई के लंबवत जे कैप भी है और के कैप भी है, बोलो तो क्या लिखोगे, चाहे यहाँ जे कैप करो आर के कैप, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 ना। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस जे कैप 0, देखो डार्क प्रोडक्ट से उल्टा चल रहा है, ये के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा 0। ठीक है, आइए अब हम जान लो, चाहे जहां शुरू करो आई कैप जे कैप के कैप, एक साइक्लिक ऑर्डर में लेना है यहां पर, क्या अभी हमने दिखाया था कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इनके बीच का जो थीटा था वो कितना था 180, इसलिए हमको एक ऑर्डर में चलना है, क्या करना है। चलो अब आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा 1 इंटू साइन 90। देखो भैया यहाँ ये इसको क्रॉस बोलेंगे, इसको इंटू या गोड़े जो भी कह लो, इंटू क्या आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है के कैप, तो सब भैया 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा के कैप, भाई आई जे के परपेंडिकुलर कौन है तो के कैप होगा ना। फिर इसी प्रकार से बताओ जे क्रॉस के वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के कैप, जे और के परपेंडिकुलर कौन है आई कैप, फिर के कैप क्रॉस आई कैप, के और आई के परपेंडिकुलर कौन है जे कैप, समझ में आया हाँ, याद रखिएगा ये समझ में आ रहा नहीं, कैसे के कैप और आई कैप जे कैप हो रहा है भाई, जिसका जिसका आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है वही ना। हाँ अब ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर हम उल्टा कर दें, आई क्रॉस जे है ना, अगर जे कैप क्रॉस आई कैप कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस के कैप, जो ऐसे था अब वो ऐसे हो गया, 180 का कोण बना लिया। अगर यही हम कह दें के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, फिर के क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप माइनस, इसलिए आई जे के को साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, क्या करो साइक्लिक ऑर्डर में ले लो। अब हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड न्यूमेरिकल अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।